हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस ऑन डी मल्टीप्लेक्सर। हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, इसमें डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें डेटा इनपुट जो होते हैं वो वन होता है। उसमें डेटा इनपुट वेरिएबल होते हैं, कई सारे होते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें डेटा इनपुट क्या होता है, वन होता है। ओनली एक ही डेटा आप इसमें दे सकते हो, और डेटा आउटपुट क्या होता है, कई सारे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब ये इससे कनेक्ट किया जाएगा, ये इससे कनेक्ट किया जाएगा, इससे कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे कई सारे आउटपुट है। यहाँ पे सिलेक्ट लाइन, ये सिलेक्ट लाइन है, ये डिसाइड करेंगे कि हमारे आउटपुट में, किस आउटपुट में क्या मिलेगा। ओके, देन यहाँ देखते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ये सिलेक्ट लाइन, और ये हमारे डेटा इनपुट, और ये हमारा डेटा इन। ये डेटा इन है, ये डेटा आउट है, आप जैसा फिगर में देख सकते हो। अब डेट, जैसे कि जब हमने दो इनपुट दिए तो चार कंडीशन बनेंगी, चारों कंडीशन हमने यहाँ लिख ली। और देखिए, एक बार में एक के पास ही डेटा पहुँचेगा। जब हम 0 0 देते हैं तो डेटा कहाँ से निकलेगा, 0 0 से। ठीक है, 0 0 पे क्या निकलेगा, डेटा। तो आप क्या लिखोगे, 0 0 पे डेटा लिखोगे। ठीक है, जब यहाँ पे 0 और 1 देते हैं तो डेटा कहाँ से निकलेगा, 0 1 से। तो 0 1 पे क्या लिखोगे, डेटा लिखोगे। ठीक है, जब हम सिग्नल देते हैं 1 और 0 1 और 0, तो डेटा कहाँ से निकलेगा, 0 2 से। तो 0 2 पे क्या लिखोगे, डेटा लिखोगे। ठीक है, जब डेटा दोगे 1 और 1, तो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, 0 और 3 से। तो 0 और 3 पे क्या मिलेगा, डेटा लिखो। डेटा मतलब आप डी भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। डी का मतलब होता है डेटा, क्योंकि डेटा जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया वो हमें किस पे मिल रहा है, इस 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 पे मिल रहा है। ठीक है, एक बार में डेटा एक पे ही मिलेगा, याद रखिएगा, एक बार में एक पे डेटा मिलेगा। क्योंकि हम दो ही टर्मिनल, एक बार में या तो ये सिग्नल देंगे, या तो ये सिग्नल देंगे, या तो ये सिग्नल देंगे, या तो ये सिग्नल देंगे। इससे ज़्यादा तो सिग्नल दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल ही दो हैं। तो एक बार में एक ही सिग्नल देंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक पे ही डेटा मिलेगा, चाहे इस पे मिले, चाहे इस पे मिले, चाहे इस पे मिले, चाहे इस पे मिले। इसलिए इसे कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है, इसलिए इसका नाम है डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या होते थे, नंबर ऑफ इनपुट कई सारे होते थे, नंबर ऑफ आउटपुट एक होता था, लेकिन ये पॉजिटिव से, इसलिए इसे डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर का उल्टा, देखिए डी मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है। इसमें नंबर ऑफ इनपुट एक होता है, और नंबर ऑफ आउटपुट कई सारे होते हैं, और सिलेक्ट लाइन भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आउटपुट पे। ओके, इनके बीच में हम रिलेशन पता है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं, तो n इक्वल टू 2n आउटपुट, यानी अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n क्या है, सिलेक्ट लाइन। ये बहुत आसान है आपको, मैं इसे देख के समझ गया, इसमें कुछ नहीं करना। एक बार पे डेटा मिलेगा, तो आपको बस जब इनपुट दोगे तो आपको पता है 0 0 किस पे डेटा देगा, 0 पे डेटा देगा, क्योंकि पहले इस पे डेटा देगा, तो इस पे डेटा, उसके बाद फिर इस पे देगा, फिर इस पे, उसके बाद फिर इस पे देगा, फिर इस पे, उसके बाद फिर इस पे देगा, फिर इस पे। ठीक है, और कुछ नहीं इस वीडियो में। ये लॉजिक डायग्राम बना रखा है इन्होंने डी मैक्स यानी डी मल्टीप्लेक्सर का, और याद रखिएगा डी मल्टीप्लेक्सर को डी मैक्स भी लिखते हैं, डी मैक्स। ओके, देख लेते हैं, हमें इसका लॉजिक एक्सप्रेशन तो नहीं निकालना है। इसके अंदर का जो, इसके अंदर का ब्लॉक डायग्राम है ना, उसे इस तरीके से इन्होंने ड्रॉ किया है। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे एंड गेट यूज किया गया, 1 2 3 4 4 एंड गेट यूज किया गया, क्योंकि हमारे पास 4 आउटपुट था, और 2 नॉट गेट यूज किया गया। इस नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, ये हमारे आउटपुट है, ये हमारे सर्किट के अंदर का डायग्राम है। ओके, देख लेते आगे क्या तरीका, आगे कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ओके, बाय।